आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 1 किलोवाट में कितना एम्पियर होता है। दोस्तों आजकल इलेक्ट्रिकल का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर घर में मोटर इस्तेमाल हो रहा है, हर घर में मोटर से पानी चढ़ रहा है छतों पे, हर घर में नल यूज हो रहा है, हर घर में धीरे धीरे आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल स्कूटर होगा, क्योंकि पुराने जमाने में साइकिल हुआ करते थे, लेकिन आजकल हर घर में बाइक है। तो आने वाले समय में हर घर में इलेक्ट्रिकल स्कूटर भी होंगे, इलेक्ट्रिकल कार भी शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए किलोवाट और एम्पियर में क्या रिलेशन है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 1 किलोवाट में कितना एम्पियर होता है। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि और इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चाहिए आसान भाषा में, तो मैं और बनाऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 1 किलोवाट कितना होता है। आप लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 किलोवाट से पहले कैलकुलेशंस करते हैं। दोस्तों 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। ठीक है, ये लोग जानते ही होंगे के इज इक्वल टू क्या होता है, 1000, क्योंकि 1 किलो जो ग्राम होता है उसमें होता है 1000 ग्राम। ठीक है, के मतलब क्या होता है, 1000 होता है, के इज इक्वल टू 1000, किलो मतलब 1000। उसी तरह 1 kb होता है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू हो गया 1000 वाट और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और अपना घर में जो सप्लाई आता है, अपने डोमेस्टिक सप्लाई है इंडिया में, डोमेस्टिक जो सप्लाई है इंडिया में, वो दोस्तों है 230 वोल्ट का सप्लाई है। तो दोस्तों रिलेशन जानते हैं कि वाट और एम्पियर में क्या रिलेशन है। दोस्तों पावर जो होता है, पावर का जो रिलेशन होता है, अगर हम बात करते हैं डीसी की, अगर हम डीसी की बात करेंगे तो पावर का रिलेशन होता है V into I। अगर हम बात करेंगे पावर एसी की, पावर एसी में आपके घर में एसी सप्लाई होता है और इन्वर्टर क्या करता है, डीसी में चेंज करके उसको सेव कर लेता है, फिर इन्वर्ट करके उल्टा करके, इन्वर्ट मतलब उल्टा डीसी से एसी में चेंज करके आपको घर का पंखा या लाइट चलाता है। और एसी के केस में VI V cos φ। अब cos φ क्या है दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं, cos जो φ है वो है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, यह है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जनरली अपने घर का ये जो मोटर है जो पानी चढ़ाने के काम आता है, इसकी जो होता है अप्रोक्सीमेट, मैं बता रहा हूं 0.8 होता है अप्रोक्स, मोटा मोटी तौर पे ये 0.9 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, लेकिन जनरली मैं एवरेज मानता हूं कि पावर जो फैक्टर होता है अपने घर के जो मोटर इंडक्टिव लोड है इसका 0.8 होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने यह समीकरण जान लिया, अब मैं आपको एम्पियर में कैलकुलेशन करके बताता हूं। पहले हम कैलकुलेशन करते हैं डीसी का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद एसी का। तो डीसी का अगर हम मानते हैं कि इफ cos φ इज इक्वल टू जो होता है वो 0.8 मान लेते हैं, या ना हो के इसको हम इसके जगह 1 मानते हैं, ठीक है, डीसी के केस में हम इसको 1 मानते हैं, ठीक है, जनरली होता है 0.8, लेकिन हम इसको अभी मान लेते हैं कि cos जो φ है वो 1 है, यानी ये 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1000 वाट इज इक्वल टू V into I हुआ, V कितना है अपना घर में 230 वोल्ट, और cos φ हम मान लेते हैं कि 1 है, और डीसी के केस में तो cos φ है 1 है, तो VI cos φ की जगह 1 है और I निकालना है हम लोगों को, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 वाट इज इक्वल टू 230 वोल्ट। तो ये निकल के आएगा 4.34 एम्पियर इफ cos φ इज इक्वल टू 1, इफ cos φ इज इक्वल टू 1। अब हम मान लेते हैं कि cos φ है, इफ प्रैक्टिकल हम बांधते हैं, इफ cos φ इज इक्वल टू 0.8, ये है प्रैक्टिकल, वो हमने थ्योरेटिकल की बात की है, अभी ये प्रैक्टिकल, यही प्रैक्टिकल को परफेक्ट माना जाएगा। तो I जो हो जाएगा वो हो जाएगा P इज इक्वल टू V cos φ, तो पावर इज इक्वल टू है 1000 वाट, राइट, V है 230 वोल्ट और cos φ है 0.8, तो ये 1000 जो वाट है ये बटा 230 और गुणे 8 को दशमलव को हटाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 8/10 हो जाएगा, क्योंकि 0.8 जो होगा वो 8/10 हो जाता है, ठीक है, पॉइंट के बदले 1 और बाकी दाहिने में जितने अंक है वो 0, तो ये 8/10 हमने 0.8 की जगह रख दिया। अब 10 से 10 कट गया, अब निकल के जो आया ये वो आया ऊपर हो जाएगा, ये 100 है ये ऊपर जाएगा तो ऊपर फिर 1000 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 10 है ये ऊपर जाके गुणा होगा, और नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 184 कैसे होगा, 23 में आप अगर 8 से गुणा करेंगे तो 184 होगा, तो 1000/184 ये निकल के आएगा 5.43 एम्पियर। तो 1 किलोवाट में, ये 1 किलोवाट में कितने होंगे, 5.43 एम्पियर, ये है आपका एग्जैक्ट
प्रैक्टिकल जो आपके घर पे मोटर इस्तेमाल हो रहे हैं, जितने भी, चाहे वॉशिंग मशीन के हो, चाहे वो फ्रिज के हो, चाहे वो एयर कंडीशनर का हो, चाहे कूलर का हो, चाहे फैन का हो, अगर 1 किलोवाट का है मोटर तो वो प्रैक्टिकली 5.43 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, करंट खींच रहा है। अगर हमने माना आइडियल केस यानी cos phi = 1 मान लिया तो इसमें करंट कम खींच रहा था, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो मोटर जो है वो करंट ज्यादा लेता है, यानी प्रैक्टिकली करंट ज्यादा ड्रॉ करता है और थ्योरेटिकली जो करंट होता है वो कम। ये थ्योरेटिकल 4.34 एम्पियर आया था लेकिन प्रैक्टिकली 5.43, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5.43 एम्पियर। ये है प्रैक्टिकली आपके हर जगह एप्लीकेबल इफ cos phi इज इक्वल टू 0.8। लेकिन हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हम कैपेसिटर हर जगह यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमारा डिवाइस करंट कम विड्रॉ करे। जितना करंट डिवाइस कम खींचता है उतना उसको अच्छा माना जाता है, यानी पावर फैक्टर जितना 1 के करीब हो उसको और अच्छा माना जाता है, बेटर माना जाता है। फिर भी पावर फैक्टर 1 नहीं होता आइडियली, हमेशा ये वेरी करता रहता है। पावर जो फैक्टर होता है वो 0.75 से लेके 0.95 के बीच में वैरी करता रहता है पावर फैक्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश के हित के लिए वीडियो बनाता हो तो जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और जो भी आप मन का करंट वोल्टेज का जो भी डाउट है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके लिए आसान भाषा में कैलकुलेशन करके एक एक डाउट क्लियर करके बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें राय ज्ञान के फिर मिलेंगे। चलते चलते तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।